पिछले क्लास में आप लोगों ज्योमेट्री के अंतर्गत जो पढ़ाए थे लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके पहले पढ़ाए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अलग अलग फंक्शन जो पढ़े थे हम लोग, आज उसी पर हम कुछ इंपोर्टेंट सम एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं जो आधारित रहेगा लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके पहले पढ़ाए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आज पढ़ाया जा रहा है लेक्चर 19। कुछ एग्जांपल लेंगे आज, जैसे पिछले क्लास में आप लोग बोले थे कि उसको अच्छी ढंग से पढ़ के आइएगा, क्योंकि जो हम लोग लॉग अल्फा प्लस माइनस आई बीटा बताते थे उसी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा आपका, और उसके पहले जो लेक्चर नंबर 17 बताया था उसी पर आधारित रहेगा एग्जाम्पल, तब ज्यादा समझ में आप लोग आएगा है। देखिए आप लोग पढ़ लिए होंगे इसलिए समझ में आएगा आप लोग का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लिए हम एक्सप्रेस अल्फा प्लस आई बीटा पावर एक्स प्लस आई वाई इन द पोलर फॉर्म का इन द फॉर्म किसका ए प्लस आई बी, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म लाना है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना है। तो एक्सप्रेस अल्फा प्लस आई बीटा हो चाहे पी प्लस आई पी के बराबर हो, जो भी हो ना, हम लोग को क्या दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है, और लाना कितना कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लाना है ए प्लस आई बी के रूप में। यानी इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो पिछले से पिछले क्लास में बताए थे उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल में पावर कितना लॉग एफ एक्स पावर लॉग एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है एफ एक्स के बराबर होता है, ये बताया गया आप लोग का पिछले क्लास में, इसी तरह पर समझ लोगे कहे कि आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि लॉग ई पावर लॉग एक्स का मान क्या होता है एक्स होता है, उसी तरह से जो फंक्शन एफ एक्स रहेगा एक्स जगह पर तो क्या हुआ एफ एक्स होगा आपका, इतना बराबर इतना लिखे चाहे इतना बराबर इतना लिखे दोनों सेम चीज है। तो हम वो तोड़ने की कोशिश करेंगे इस रूप में, देखिए वी है अल्फा प्लस आई बीटा के पावर एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर पावर कितना लॉग। अब देखिए यहां पर ए प्लस आई बी के रूप में बोला है, यह मैं बोला कि जनरल लाइए चाहे प्रिंसिपल लाइए, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्म बोल सकते हैं जनरल या तो प्रिंसिपल, कितना लॉग या जनरल बराबर आपको अल्फा प्लस आई बीटा के पावर कितना है एक्स प्लस आई वाई, यानी कि एफ एक्स के स्थान पर इतना था ई टी पावर लॉग एफ एक्स हम यहां पर रख दिए हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग का। अब देखिए जो पावर मिलाता है लॉग के साथ क्या मल्टीप्लाई में होगा, कितना होगा ई टी पावर एक्स प्लस आई वाई इंटू कितना लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। अब यहां पर देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं ई टू पावर एक्स प्लस आई वाई और लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों पढ़े थे, या यह नहीं बोल रहा कि जनरल बनाइए चाहे प्रिंसिपल बनाइए, लेकिन हम यहां पर जनरल बना दे रहे आपको और प्रिंसिपल बना दिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग केवल फॉर्म बनाना है, रियल पार्ट वाला करना है नई पार्ट वाला करना है। यहां करेंगे क्या हम लोग लॉग अल्फा प्लस आई बीटा फॉर्मूला अभी भी पढ़े थे कि पिछले क्लास में कि लॉग कितना 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आल्टा 2L π टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा, यह आप लोग को पिछले क्लास में बताया गया था।
लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का मान रख दिया पर। अब यहां से क्या हुआ कि इंटू करके हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। नहीं तो यहां पर इसको रियल पार्ट को पी मान लीजिए, एक्स्ट्रा मान क्यू मान लीजिए, वैसे ही पहुंच सकता आपका। नहीं तो पहले गुना करके अलग अलग कीजिए आप। तो गुना करने का नियम है कि रियल इंटू रियल, शॉर्ट नियम है कि रियल इंटू रियल क्या होगा, रियल होगा, और इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी क्या होता है, रियल होता है। इसीलिए एक्स लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और कितना आटा आटा इंटू आटा आटा का स्क्वायर है ना, तो क्या होगा माइनस वन होगा, तो माइनस वाई टू एन पाई प्लस टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा, ये हो गया रियल पार्ट। क्या हो गया रियल पार्ट प्लस आटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, रियल इंटू इमेजिनरी है ना, या इमेजिनरी इंटू रियल, जो कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, इमेजिनरी इंटू रियल कर रहे हैं तो वन बाय टू वाई से गुना हुआ तो वाई बाय टू आटा कॉमन है कितना हो लॉग अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार, कंफ्यूज मत कीजिएगा यहाँ पर है ना, क्योंकि गुना कर रहे हैं हम लोग और रियल पार्ट को अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं प्लस कितना होगा रियल इंटू इमेजिनरी इंटू रियल, फिर रियल इंटू इमेजिनरी प्लस आटा तो कमल चुके हैं एक्स टू एल पाई प्लस टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा, यह दो पार्ट में हो गया। हम लोग लिख सकते हैं कि ई टू पावर रियल पार्ट को मान लेते हैं पी चाहे ए मान लीजिए, जो मानना मानिए पी मान लेते हैं प्लस आटा इमेजिनरी पार्ट कितना मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं, या लिख भी सकते हैं कि वेयर पी बराबर क्या होगा, जो रियल पार्ट यहां पर है वही पी के वैल्यू है, और क्यू बराबर क्या है जो इमेजिनरी पार्ट है उसको। हम ऐसा क्यों माने हैं सर, क्वेश्चन उठता कि आप प्रत्येक स्टेप में अपना मनमानी नहीं करते हैं। हम लोग क्या किए यहाँ पर कि रियल पार्ट बहुत बड़ा था, इमेजिनरी पार्ट बहुत बड़ा था, इसीलिए एक टर्म मान लिया गया, इसको हम ए और बी भी मान सकते हैं, पी और क्यू भी मान लिया यहाँ पर, आप ए और बी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुविधा के लिए तो सुविधा के लिए कि हम क्या किए कि रियल पार्ट को बी मान लिए, इमेजिनरी पार्ट को क्यू मान लिए, क्लियर। पी के मान क्या है, रियल पार्ट जो है वही लिख दिया यहाँ पर, क्यू के मान क्या है जो इमेजिनरी पार्ट यहाँ लिखा हुआ है वही चीज लिखिएगा। देखिए मैथ में क्या होता है कि प्रत्येक स्टेप में लॉजिक होता है, क्यों और कैसे, तो क्यों और कैसे आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी क्या कर रहा है, क्यों भी हमें बोल रहे हैं, कैसे भी हो हमें बता रहे हैं आपको। तो देखिए ई टू पावर पी इंटू ई टू पावर आटा की, ई टू पावर पी अभी हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि ई टू पावर आटा की कीमत क्या होता है, कॉस क्यू प्लस आई साइन क्यू, यहाँ एक्स था ई टू पावर आई एस का मान कितना, कॉस एक्स प्लस आई साइन ई टू पावर आई थीटा का मान, तो कॉस थीटा प्लस आई थीटा, इसलिए क्यू है तो क्या हुआ क्यू होगा। तो दो पार्ट में आ गया, ई टू पावर पी कॉस क्यू प्लस आटा ई टू पावर पी साइन क्यू। अब देखिए किस फॉर्म में आ गया, इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, ओके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी एक रियल पार्ट हो गया एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। रियल पार्ट में कोई भी संख्या हो उससे कोई मतलब यह नहीं था, इमेजिनरी पार्ट में कोई भी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं था, इसीलिए हम क्या कर रहा था कि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ला रहा था। क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, यहां तो कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल नंबर टू कहता है कि इफ
टेन यू एक्स प्लस आई बाय इक्वल टू यू प्लस आई जी यू प्लस आई भी सो डेट या प्रूव डेट कितना प्रूफ करना यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू यू कॉट टू एक्स इक्वल टू वन ये लाना है। अब क्वेश्चन उठता है कि दिया हुआ इस तरह से प्लस समझने को क्या हम लोग गिवन डेट टेन एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू यू प्लस आई भी क्वेश्चन में ही आपका सॉल्यूशन क्या करना है सो दिया रहता है। यह तो दिया हुआ है इसको लेके चलेंगे हम लोग, लेकिन प्रूफ करना है यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू भी तो है टू यू आ सकता है कॉट टू एक्स कॉट टू एक्स प्रूफ करना है यानी टेन टू एक्स भी आ जाएगा तो उसको टेन के उल्टा क्या होता है कॉट होता है कॉट होता क्या हुआ टेन हुआ यानी हम टेन भी निकाल देंगे टेन टू एक्स तो कॉट टू एक्स सारे से बच सकता है। ये सब तो निकालना है पॉसिबल है क्योंकि हम लोग इसको सेपरेट करेंगे रियल रमजानी बात तभी यू भी का मान आएगा। अगर यू भी का मान आएगा तो कॉट टू एक्स का मान नहीं आएगा ये पूरा सॉल्व करने से वहां आना चाहिए आपको तब क्या करेंगे कॉट टू एक्स निकालेंगे उसके लिए क्या करना होगा एक्स प्लस आई वाई का मान पर निकालना पड़ेगा एक्स प्लस आई वाई का मान कितना होगा टेन को राइट कर दीजिए टेन इनवर्स यू प्लस आई भी अभी अभी पढ़े थे हम लोग है ना वी है अगर प्लस के लिए प्लस है तो माइनस के लिए कितना होगा तो टेन इनवर्स यू माइनस आई भी प्रतीत होता है बड़ा जो बोलता है कि प्लस के लिए प्लस होगा तो माइनस के लिए क्या होगा माइनस होगा फंक्शन के साथ या ऐसा भी सकते हैं कि वी रिप्लेस आई बाय माइनस आई दोनों से अब टू एस लाना है तो टू एस कैसे आएगा दोनों को जोड़ देंगे आल्टा वाई कैंसिल हो जाएगा एडिंग वन एंड टू वी गेट कितना होगा टू एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टेन इनवर्स यू प्लस आई भी प्लस टेन इनवर्स यू माइनस आई भी पढ़ेंगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ये फॉर्मूला था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई ये चीज बताया थे बेसिक क्लास में भी आप लोगों को या इसका मान क्या होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई एक्स कितना है यू प्लस आई भी प्लस बी वाई जब कितना है यू माइनस आई भी वन माइनस एक्स वाई एक्स के स्थान पर कितना है यू प्लस आई भी और वाई के स्थान पर कितना है यू माइनस आई भी यहां तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों का कितना बराबर टू एक्स बराबर अब टेन को लेफ्ट साइड कर लेंगे तो कितना बचेगा टेन टू एक्स और राइट साइड में क्या बचेगा आपका राइट साइड में आई भी कैंसिल होगा कितना बराबर टू यू डिवाइडेड बाय वन माइनस ए प्लस बी टू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस आल्टा का स्क्वायर और भी स्क्वायर तो आल्टा का स्क्वायर मान क्या होता है माइनस वन होता है इसलिए क्या हो गया प्लस हो जाएगा क्यों प्लस हुआ मानते हो ना क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए लेकिन आल्टा में लिखा हुआ तो आल्टा का स्क्वायर माइनस वन होगा इसलिए क्या हो गया प्लस हो गया यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी में देखिए आगे इसको लेफ्ट साइड कर लीजिए वन माइनस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना टू यू बटे कितना हो गया टेन टू एक्स मिलाना है कॉट में कॉट में तो आपका आ जाएगा कितना बराबर
वन बराबर कितना है, उधर प्लस हो गया, यू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर प्लस कितना हुआ टू यू, वन बाय टेन क्या होता है कॉट होता है, कॉट टू एक्स कितना आ गया, यू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू यू कॉट टू एक्स इक्वल टू वन, यही प्रूव करना था आपका। अब यहां तक तो किसी कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट नहीं है तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर थ्री, इफ आल्टा के पावर एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई टू पावर माइनस फोर एन प्लस वन पाई बाय पाई वाई दिया हुआ है, कैसे आया देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स और वाई का मान निकाल करके स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यह तो कुछ है नहीं, अरे मान तो दिया हुआ एक्स वाई का, गिवन दैट पहले गिवन दैट देख लीजिए आप, गिवन दैट से क्लियर हो जाएगा क्या क्या करना है, एक्स प्लस आल्टा वाई का मान दिया हुआ है, आल्टा के पावर एक्स प्लस यह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको क्या लाएंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी ये क्लियर पार्ट है इंजीनियरिंग पार्ट, तब आ जाएगा आपका इसका वैल्यू पढ़े थे अभी ही पढ़े थे, कोई भी फंक्शन दिया जाएगा जैसे तो ई टू पावर लॉग एन के रूप में दिया हुआ है, यही जनरल टर्म है, क्या है जनरल टर्म है, लॉग कितना आल्टा के पावर एक्स प्लस आई वाई कितना हुआ ई एक्स प्लस आई वाई पावर क्या मल्टीप्लाई हो गया लॉग आल्टा ई टू पावर एक्स प्लस आई वाई और लॉग आल्टा के मान आल्टा के मान क्या होता है पोलर फॉर्म में तो कॉस पाई बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय टू ई टू पावर एक्स प्लस आई वाई कितना हुआ लॉग ई टू पावर आई पाई बाय टू बचे कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स ई टू पावर आई एक्स एक्स के स्थान पर पावर टू है। अब इसका क्या हुआ एक्स प्लस आई वाई और इसका जनरल वैल्यू पढ़े थे आप पिछले से पिछले क्लास में कि लॉग ओमेगा बराबर टू एन पाई आई प्लस लॉग ओमेगा सेकंड नंबर टू एन पाई आई प्लस लॉग ओमेगा लॉग ई टू पावर आई पाई बाय टू। अब यहां पर क्वेश्चन होता है ई टू पावर एक्स प्लस आई बाय तो है ही आपका, अब इसका मान क्या होगा आल्टा कॉमन लेते हैं कैसे लीजिएगा टू एन पाई आई प्लस आई पाई बाय टू पावर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और लॉग ई का मान क्या होता है वन होता है, यहां पर क्यों वन होता है पहले बता चुके हैं कि वन इसलिए होता है कि यहाँ नेचुरल लॉगरिथम में ई बेस पहले से रहता है तो वैल्यू वन हो गया उसका, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब ये पिछले एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं इस टाइप का एग्जाम्पल नंबर वन में, कितना हुआ ई टू पावर एक्स प्लस आई बाय इन टू आल्टा कॉमन लेंगे कितना हो गया टू एन पाई एलसीएम में कितना फोर एन प्लस वन पाई बाय टू यही आना चाहिए एलसीएम में दिया पर ना। अब आल्टा से गुणा कर दिए आल्टा कितना हो गया एक से गुणा कर रहे तो
फोर एन प्लस वन पाई एक्स बाय टू आटा इंटू आटा आटा स्क्वायर माइनस फोर एन प्लस वन पाई वाई बाय टू। अब इसको क्लियर लीजिए कितना आई की पावर माइनस फोर एन प्लस वन पाई वाई बाय टू दो पार्ट पकड़ सकते हैं ये रियल पार्ट इंटू ई की पावर कितना इमेजिनरी पार्ट आटा कितना फोर एन प्लस वन पाई एक्स बाय टू। यहां पर तो किन्हीं को डाउट नहीं होगा अलग अलग किए केवल ई की पावर इतना ई की पावर माइनस इतना दो पार्ट में कर दिए इसको। अब जैसे दो पार्ट में किए तो एक में लगा हुआ है इमेजिनरी आटा लगा हुआ है इसका पढ़े थे फॉर्मूला ई की पावर माइनस फोर एन प्लस वन पाई बाय बाय टू इसका क्या पद है कॉस फोर एन प्लस वन पाई एक्स बाय टू प्लस आई साइन फोर एन प्लस वन इंटू पाई एक्स बाय टू तो क्या बन गया कि रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। हम लोग क्या लेके चल रहे थे एक्स प्लस आईटा वन इक्वेटिंग रियल इमेजिनरी पार्ट इक्वेटिंग रियल एंड कितना एस का मान कितना आ गया ई की पावर माइनस फोर एन प्लस वन पाई वाई बाय टू इंटू कितना कॉस फोर एन प्लस वन पाई एक्स बाय टू वन मान लीजिए इमेजिनरी पार्ट वाई ई की पावर माइनस फोर एन प्लस वन पाई वाई बाय टू इंटू साइन फोर एन प्लस वन पाई एक्स वाई टू इसको टू मानेंगे। अब क्या प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो दोनों के स्क्वायर देखा जोड़ देंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग किसका वन एंड टू तो ऑटोमेटिक आ जाएगा इतना का होल स्क्वायर पर इतना का होल स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर जोड़ेंगे यह कॉमन आ जाएगा दोनों में सेम है क्या कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा प्लस साइन कस्टर मान क्या होता है वन। यहां तक क्लियर है स्क्वायरिंग एंड एडिंग वन एंड टू स्क्वायरिंग एंड एडिंग वन एंड टू कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर टू पावर माइनस फोर एन प्लस वन पाई वाई बाय टू का होल स्क्वायर पाई बाय टू का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान कितना हो गया वन तो कॉमन हो चुके थे मान कितना हो गया वन आई टी पावर कितना माइनस फोर एन प्लस वन पाई वाई बाय टू टू क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाई हो जाएगा पढ़े होंगे कि ए एम के पावर अगर एन है तो क्या होता है ए एम इंटू एम एन क्या टू मल्टीप्लाई होगा टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपका जैसे कैंसिल हुआ तो कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इज इक्वल माइनस फोर एन प्लस वन पाई वाई टू से टू खत्म हो गए। यही प्रूफ करना था आपका ये प्रूफ हो गया बहुत ही इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है आप लोग इजी बना लीजिएगा सब चैप्टर बन जाएगा आप लोग से हो गया यहां तक। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो भी एग्जाम्पल है आपको बता दे रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर फोर इफ टेन लॉग एक्स प्लस आई वाई का वैल्यू दिया हुआ है ए प्लस आई बी वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो प्रूफ दैट प्रूफ करना है आपको कि टेन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
का वैल्यू जो होगा 2a बटे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कैसे बनता है, गिवन दैट पहले दिया हुआ आपको लिख लेते हैं, समझाते हैं क्वेश्चन करता क्या है। 10 log log x स्क्वायर x प्लस आई वाई स्क्वायर टू ए प्लस आई बी, हमको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आना है, इधर भी 2a b स्क्वायर स्क्वायर, यानी 10 को हमको राइट साइड करना होगा है ना, तभी हम इसको दो पार्ट में कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, 10 को राइट साइड कर दीजिए, तो दो फंक्शन यहां पर एक साथ है, तो लॉग दोनों साइड एक एक फंक्शन हो जाएगा, तो आसानी टोटल में होगा कितना 10 इनवर्स। अब एग्जाम्पल में जो क्यों बताया था एकदम सेम क्वेश्चन वैसा ही बन रहा है आपका। अब देखिए इस तरह से है, जैसे पढ़ोगे आप कि प्लस के लिए प्लस है तो क्या हुआ, माइनस के लिए माइनस होगा, वी है लॉग, अगर एक्स माइनस आई वाई लेते हैं तो क्या होगा, टेन इनवर्स ए माइनस आई बी होगा। एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है कि प्लस के लिए प्लस तो माइनस के लिए माइनस, अभी फंक्शन लेके बताया था आपको पिछले क्लास में सिस्टम में। अब क्या हुआ, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि लॉग एम प्लस लॉग एन फॉर्मूला होता है, क्या लॉग एम इन टू एन, अभी जोड़ने से ही आपका फॉर्मूला टूटेगा आपका। एडिंग 192 का माइनस करेंगे टूटेगा, देखतेगा प्लस करेंगे तभी इंटू होगा, तब इंटू होगा तभी स्क्वायर ही आएगा। वी गेट द लॉग एक्स प्लस आई वाई प्लस लॉग एक्स माइनस आई वाई बराबर टेन इनवर्स ए प्लस आई बी प्लस टेन इनवर्स ए माइनस आई बी। अब ये हमने पढ़ते टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स वाई का, उसी पर तोड़ देंगे इसको भी, यहां तक हो गया। अब लॉग एम इन लॉग एम प्लस लॉग लॉग एम इन टू एन, तो लॉग कितना एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस इंटू में आ जाता, और क्या हुआ टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई एक्स एक्स कितना ए प्लस आई बी, अब आई जा पर ए माइनस आई बी वन माइनस एक्स वाई ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी। जैसे दोनों को गुणा करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अल्टा का स्क्वायर माइनस वन होता है, क्या हो गया प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट टेन इनवर्स कितना टू ए, टू ए बटे कितना वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी क्या होगा बी स्क्वायर, क्योंकि सेम फॉर्मूला है ए प्लस बी टू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अल्टा का स्क्वायर माइनस वन होता है इसलिए क्या हो गया प्लस हो गया। पर अब टेन को लेफ्ट साइड कर देंगे कितना हुआ टेन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर टू कितना हो गया टू ए बटे वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना तो बहुत ईजी था। और इसी के आधार पर करते हुए एक टाइप के और क्वेश्चन बचा है, यहां पर देख लीजिए आप लोग एक टाइप का और क्वेश्चन है वो बता देते आपको ना, एग्जाम्पल नंबर 5 प्रूफ दैट साइन इनवर्स अल्टा का जो वैल्यू होगा 2n पाई माइनस आई लॉग अंडर रूट 2 माइनस 1। क्लियर, देखिए कहीं कहीं इस तरह दिया हुआ है, चाहे इसको ऐसे भी अपने तरफ से बना सकते हैं आप,
कि साइन इनवर्स आटा का जो वैल्यू होगा 2nπ, अगर यहाँ प्लस कर सकते हैं तो क्या होगा, लॉग अंडर रूट 2+1। कैसा है, दोनों के दोनों क्वेश्चन को हम सेम क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना, इसको बनाएंगे उसके बाद इसको बना सकते हैं। जी कैसे बनाते हैं देख लीजिए, हमको पोलर फॉर्म में साइन और कॉस दोनों चाहिए, तो लेट साइन इनवर्स आटा का मान अगर थीटा मान लेते हैं, चाहे एस मान लेते हैं, जो मानिए आपने, देन आटा कितना होगा साइन थीटा, तो वी है कॉस थीटा का मान क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइनस का थीटा, अंडर रूट 1 माइनस क्या होगा 1 माइनस आटा का स्क्वायर हो गया, आटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 होता है, तो क्या होगा 1+1 यानी कितना आ गया अंडर रूट 2, यानी कॉस थीटा का मान कितना बन गया आपका, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया अंडर रूट 2, साइन थीटा का मान मालूम है, कॉस थीटा का मान मालूम है, आप आसानी से इसको तोड़ सकते हैं दोनों क्वेश्चन को। देखिए कैसे, वी नो दैट ई टू पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है अंडर रूट 2 प्लस साइन थीटा का कितना है आटा है, अंडर रूट 2 आटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 होता है, ई टू पावर आई थीटा का मान कितना हो गया अंडर रूट 2-1, इसको लॉग में लेना है, क्या लेना है लॉग में, तो कैसे लीजिएगा लॉग में आप, तो बाय डिफिनेशन डिप्रेशन बताया था कि पावर को वैल्यू में वैल्यू के पावर में चेंज किया लॉग आ जाएगा आपका, बाय डिप्रेशन ऑफ लॉगरिथम कितना आई थीटा बराबर लॉग अंडर रूट 2-1। अब जनरल वैल्यू प्रूव करना है, एन एन के रूप में प्रूव करना है, जनरल वैल्यू क्या होता है 2nπi प्लस लॉग ओमेगा अंडर रूट 2-1, आई बढ़े लॉग ओमेगा बराबर 2nπi प्लस लॉग ओमेगा आल्फा थीटा, थीटा का वैल्यू कितना होगा 2nπ प्लस 1/8 log रूट 2-1, तो थीटा का मान कितना था, थीटा का मान था साइन इनवर्स आटा बराबर 2nπ 1/8 का मान क्या होता है माइनस आटा होता है log अंडर रूट 2-1, यह तो प्रूफ हो गया आपका। अगर इसी में आगे थोड़ा सा बढ़ा दी जाए कैसे बढ़ाएगा, यहां तक लिखनी आप लोग करना कुछ नहीं होगा, इसमें एक लाइन दो लाइन बढ़ाते हैं तो आ जाएगा साइन इनवर्स आटा बराबर 2nπ प्लस आटा लॉग अंडर रूट 2-1 की पावर क्या होगा -1 या मल्टीप्लाई में है तो पावर -1 कर देंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 2nπ प्लस आटा लॉग कितना होगा 1/8 अंडर रूट 2-1, तो 2nπ प्लस आटा लॉग 1/8 रूट 2-1 इस्तेमाल कर दीजिए अंडर रूट 2+1 बटे अंडर रूट 2+1 से इस्तेमाल कर दिए हम लोग, जैसे ही इस्तेमाल किए आ गया आपका 2nπ प्लस आटा लॉग ऊपर क्या हुआ रूट 2-1, नीचे क्या है a-b(a+b) a²-b² तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 2-1 क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा 1 बटा 1 हो गया, क्या बचा साइन इनवर्स आटा का मान हो गया 2nπ
प्लस आई लॉग प्लस वन, क्या यहां पर प्लस अंडर रूट टू प्लस वन, टू प्लस वन यहां प्लस होगा। देखिए ये भी प्रूफ हो गया आपका, प्लस का भी और माइनस का भी प्रूफ हो गया आपका, दोनों में प्रूफ हो गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग कोशिश कीजिएगा एग्जाम्पल बनाने का, तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जो नहीं बनता है तो आप लोग पूछने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे।